Okay, dear children, so in last class we had completed till page number 35, and this is page number 36 of your textbook, NCERT textbook. Here we will continue with the patterns. So this is a kind of skip pattern, skip counting pattern. कुछ कुछ नंबर स्किप करके छोड़ के नेक्स्ट पे कूदना. सी, दिस इज अ फ्रॉग, एंड वॉट फ्रॉग डज इट? हॉप्स. सो इट जम्प्स. सो लेट सी हाउ मेनी नंबर्स ही लेफ्ट एंड आफ्टर हाउ मेनी नंबर्स ही जम्प्स. ओके, सो हियर टी टू फ्रॉग जम्प्स ओवर टू नंबर्स एंड रीच इज द थर्ड नंबर. वेयर विल टी टू गो नेक्स्ट? मेक अ रिंग ऑन द अदर नंबर्स. सो दिस इज अ टी टू फ्रॉग. वट ही डज आफ्टर लीविंग टू नंबर्स? ही जम्प्स. दो नंबर छोड़ के तीसरे नंबर पे जम्प करता है, दो नंबर छोड़ के तीसरे नंबर पे जम्प करता है, दो नंबर छोड़ के तीसरे नंबर पे जम्प करता है, लाइक दैट. सो यहाँ इफ दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सो वट ही डज ही लीव्स टू नंबर्स एंड देन ही जम्प्स टू द थर्ड वन. सो यू हैव टू मेक अ रिंग, रिंग और सर्कल. आपको सर्कल बनाना है या रिंग बनाना है जो आपका नंबर जिसपे फ्रॉग कूदा है, जंप किया. सो दिस इज इनिशियल पॉइंट और मे बी स्टार्टिंग पॉइंट. टू नंबर्स ही स्किप्स एंड देन जंप्स ओवर टू द थर्ड. देन अगेन टू नंबर्स ही स्किप्स एंड देन जंप्स ओवर टू द थर्ड वन. देन अगेन टू नंबर्स ही स्किप्स एंड देन विच वन? दिस इज द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर विच इज 9. सो ऑन विच नंबर ही विल जंप नाउ? ही विल जंप ऑन नंबर 9. सो लाइक दिस वी विल मेक सर्कल. ओके, सो वी विल मेक सर्कल ऑन द नंबर वेयर द फ्रॉग विल जंप. सो नाउ अगेन लीविंग टू नंबर्स ही जंप्स ओवर द थर्ड नंबर, थर्ड वन विच इज 12. देन अगेन टू नंबर्स ही स्किप्स एंड जम्प्स ओवर टू द थर्ड वन विच इज 15. देन अगेन टू नंबर्स ही स्किप्स एंड द थर्ड नंबर इज 18. देन अगेन टू ही स्किप्स एंड देन व्हाट विल बी द थर्ड नंबर? यस, इट इज 21. ओके, एंड देन अगेन ही लेफ्ट टू नंबर्स एंड देन व्हाट विल बी द थर्ड नंबर? 24. ओके, सो नाउ अगेन देयर इज अनदर क्वेश्चन वेयर टी टू जंप्स. टी टू, हु वाज टी टू? टी टू वाज अ फ्रॉग, राइट? सो नाउ टी टू जंप्स एंड गेट्स ऑन एवरी 10 स्टोन. टी टू क्या करता है? जंप करता है हर एक 10 स्टोन पे. पहले कहाँ पे करता था वो? पहले दो स्किप करके और थर्ड पे जंप करता था, राइट? राइट. अभी क्या कर रहा है वो? अभी 10 10 स्टोन्स, 10 10 स्टोन को एवरी 10 स्टोन ही जंप्स. 10 का वो इस बार गैप लेता है. तो पहले नंबर पे क्या होगा पता नहीं. उसके बाद 10 जब वो नंबर कूदा 10th स्टोन पे तो इट वाज 28. देन अगेन व्हेन 10 वाज एडेड ही जंप्ड ऑन द 10th स्टोन, इट बिकेम 38. इट बिकेम 38. देन अगेन ही विल जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टोन. ओके, सो यू कैन सी इफ यू माइनस 10, बिकॉज आप जब वापस जाते हो तो माइनस करते हो ना, तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 18. और इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करते हो? 18 में 10 प्लस करोगे तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए. सो ये क्रॉस चेक हो गया कि 18 में 10 प्लस किए तो 28 आया. ठीक है, 28 था आपको पहले से दिया हुआ. आपको ये नंबर नहीं पता था, लेकिन आपको ये पता था कि 10 जंप लेकर, 10 नंबर की जंप लेके वो आगे आया. तो अगर आगे प्लस 10 आया तो वापस जाने के लिए 10 स्टेप्स, मान लीजिए वो फॉरवर्ड आया तो वापस जाने के लिए उसे 10 स्टेप्स बैक जाना पड़ेगा ना. बैक जाने का मतलब माइनस. फॉरवर्ड मीन्स प्लस, बैकवर्ड मीन्स माइनस. ओके, सो लाइक वाइज when it added 10 more, so it became 38. It became 38. So now can you tell me, after adding 10 to 38, what will come next?
Yes, it is 48. It is 48. So here it is 48, then plus 10 will give you 58. Then again plus 10 will give you 68. Then last one gives you 78. So this is how it goes. बेटा इफ यू रिमेम्बर दिस इज द नेक्स्ट पेज वी हैव डन दीज थ्री पार्ट्स ऑलरेडी जब हमने अल्फाबेट पैटर्न किया था व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद अल्फाबेट पैटर्न्स एंड आफ्टर दैट वी प्रैक्टिस दीज थ्री क्वेश्चंस दीज थ्री पार्ट्स ओके आई होप आपने ये तीनों पार्ट कर लिए होंगे सो नाउ वी विल कंप्लीट द एंटायर एक्सरसाइज एट द बॉटम ओके सो आई थिंक दिस इज योर पेज नंबर 37 आई गेस सो हियर 1 2 1 2 then again one will come two then again one then two so moving on to the next pattern 87 88 89 then 98 this is a forward counting counting आपकी continue जा रही है ठीक है 20 30 40 यहाँ पे कितने का gap आ रहा है बेटा it is gap of 10 okay तो ये 40 then plus 10 50 then plus 10 60 like that it will go on okay Now it is 19, 29, 39. यहाँ पर भी आप देखोगे 10, 10 का गैप है. Here also it is a skip count of 10. Okay, 39, 49, 59, 69, 79, 89 like that. Okay, so next 2, then 5, then 8. So this is a gap of 2, 3, 4, then 5 will come. 6, 7 will leave, then 8 will come. 9, 10 we will leave, then 11 will come. Okay, so like that this pattern will follow. जैसे अभी आपको मैंने बताया ये plus 3 का pattern है. Okay, this is the pattern of plus 3. Plus 3 का pattern जैसे चलता है ये वैसे चल रहा है. अब आप हम next ये pattern पे आएंगे जहाँ पर आपका number भी है और alphabet भी है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 6 7 ये काउंटिंग जो है आपकी कंटिन्यूएशन में इट इज गोइंग ओके राइट एंड देन व्हेन यू सी अल्फाबेट इट इज पी क्यू आर एस टी लाइक दैट इन कंटिन्यूएशन ऑल द अल्फाबेट्स आर गोइंग लाइक दैट ओके सो 5 व्हाट यू विल डू 5 6 7 देन 8 9 10 11 12 लाइक दैट यू विल राइट The numbers first, and then this is the alphabet, so you will continue with the alphabet. So P, Q, R, then S, T, like that. Okay. So 5, 6, 7 के बाद क्या आएगा यहाँ पे बेटा? It is 8. और अगर alphabet देखो तो P, Q, R, what will come next? S. Okay. तो आपको समझ में आया? ये आपको पहले अब या तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप पहले numbers लिख लो, फिर साथ में कंटिन्यूएशन में अल्फाबेट्स तो लाइक दैट आल्सो यू कैन डू ओके आई होप यू अंडरस्टूड ओके ये नेक्स्ट पैटर्न्स भी अगर आप देखें तो ये नेक्स्ट पैटर्न्स भी नंबर पैटर्न्स हैं दिस इज बैकवर्ड पैटर्न 85 75 65 55 10 10 10 10 इट इज गेटिंग लेस बैकवर्ड काउंटिंग है उल्टी गिनती है 10 10 पीछे जा रहे हैं इसमें क्या था 10 10 आगे जा रहे थे काउंट इसमें 10 10 काउंट पीछे है दिस इज ऑल्सो बैकवर्ड पैटर्न इसमें भी पांच पांच पीछे काउंट आपका जंप जा रहा है इसमें अगर देखो तो इसमें क्या है 20 19 ये एक 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 करके पीछे जा रहा है लाइक दैट ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैटर्न You have to do this in your textbook only. This is, I think, page number 37 of your textbook. Till then, bye-bye. Take care.